नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते क्या नया हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक और जहां रोहित शेट्टी की कॉप सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं, वही ताजा रिपोर्ट के सामने आ रही है कि एक्टर को राउडी राठौर के सीक्वल के लिए भी अप्रोच किया जा रहा है और जल्द ही फिल्म फ्लोर पर भी आने वाली है। चर्चा ये है कि सिद्धार्थ की राउडी राठौर 2 के लिए अप्रोच किया गया है, जहां वो पुलिस वाले का किरदार निभाते दिखेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म मेकर शबीना खान ने एक्टर को अप्रोच किया है, हालांकि इस फिल्म में अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर कोई क्लैरिटी नहीं। याद दिला दें कि साल 2012 में आई फिल्म राउडी राठौर में अक्षय कुमार ने मेन कैरेक्टर प्ले किया था। लंबे समय से फिल्म के सीक्वल पर बात चल रही है, लेकिन अब अक्षय कुमार से उन्हें आउट माना जा रहा है। मेकर्स मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 3 महीनों में फिल्म को फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल मेकर्स सिद्धार्थ द्वारा प्रोजेक्ट को बिग गियर्स बोलने का इंतजार कर रहे हैं। शबीना इस सीक्वल के लिए फेमस प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर संधि लीला भंसाली के साथ प्रोड्यूस करेंगी। फिल्म से जुड़े सोर्स के अकॉर्डिंग शबीना खान कुछ समय से राउडी राठौर 2 को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आखिरकार राउडी राठौर 2 के लिए मेन आइडिया को लॉक कर चुकी है और इस फिल्म में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा की बातचीत चल रही है। सिड ने भी दिलचस्पी दिखाई है, हालांकि भी इस पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें रोहित शेट्टी कॉप यूनिट के बाहर एक पुलिस वाले की भूमिका निभानी चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में कॉमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।